कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन में कैमरा सेटिंग कैसे इनेबल करेंगे। तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये फ्रेंड आपको ऑप्शन देखने में रहता है फ़ोन में कैमरे को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यह आपको ऑप्शन देखने में रहता है फ़ोन में 3 डॉट का, तो आपको 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में सेटिंग के ऑप्शन पर ऑन करेंगे। जैसे आपको ऑप्शन देखने में रहता है फ़ोन में बटन मार्क का, तो आपको इसको क्लिक करके ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद में यहाँ से आपको रिटर्न टाइम पर क्लिक करके ऑन करेंगे। यहाँ पर आपको फ़ोन पे चेंजिंग चेंज करना है, तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक हो जाना। बैक होने के बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फोन में लीप का, आपको लीप क्वेश्चन को ऑन कर लेना है। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फोन में कैप्चर विद फिंगर, तो इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर आपको कैमरा साउंड क्वेश्चन को ऑन कर लेना है। यहाँ से आपको फिलिप सेल्फी क्वेश्चन को ऑन करना है। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ से ऑन करने के बाद में टैप टू कैप्चर क्वेश्चन को ऑन कर लेंगे, सो को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद में आपको हेडिंग वीडियोस के ऑप्शन पे क्लिक करके ऑन कर लेंगे। वॉल्यूम बटन को क्लिक करके वॉल्यूम पे क्लिक कर लेना। इस प्रकार अपने फोन में रीसेट कैमरा सेटिंग इनेबल करेंगे। यहाँ से आपको रिस्टोर पे क्लिक करके रीसेट कैमरा सेटिंग इनेबल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने फोन में कैमरा सेटिंग इनेबल करेंगे। तो अगर फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगा इस, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर लाइक हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंटरेस्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।